नमस्कार, मैं सरोज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं आपकी सभी समस्याओं और उनके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में, और वो हमें बताते हैं गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए गुरु जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। क्या होती है ये बीमारी और क्या है इसका आयुर्वेदिक उपचार, तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। जब खून का दबाव बढ़ जाता है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे शरीर का जो खून का भाव है 90-120 तक रहता है। यदि 90 से ऊपर बढ़ जाता है तो उसको हाई बोलते हैं, और 90 से नीचे उतर जाता है तो उसको हम लो बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने का सबसे मुख्य कारण आपका गलत खान पान। जब आप जो चीज़ आपको माफ कर नहीं आ रही उसको खा रहे हैं, और जब उसका खून गाढ़ा होके दिल को मिलता है तो उसमें बड़ी तेज़ी से दिल धड़कता है। दिल धड़कता है तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसको चलाने के लिए हमारा दिल सबसे बड़ा औजार है। ये एक किस्म का गाड़ी का पंप है, दिल और फेफड़े। ये 24 घंटे अपना कार्य करते ये सोते नहीं है, सब अंग सोएगा परंतु दिल और फेफड़े नहीं सोते। जब हमें गुस्सा आ जाए, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं या बेटा में खाना खाते हैं और खाना पचता नहीं है, गैस बनती है ज़्यादा, तो इसका दिल के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, और इससे बीपी एकदम 90 की जगह 150, 200, 250, 300, 400 तक भी चला जाता है। और जब बीपी कभी हाई हो जाए तो इसमें ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है जी। इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ ये सबसे आसान और सबसे ही साधारण नुस्खा है जी। हर घर में लहसुन प्याज अदरक चूल्हे चौके में पड़ा रहता है। रसोई घर में और चीज़ मिले ना मिले लहसुन प्याज अदरक जरूर मिलता है। आप 3 तुल्ली लहसुन की लेके छिल लें, छिल करके उसको पीसे चटनी बना दें उसकी। यदि आपके पास शहद है तो शहद में मिला के चाट लें, यदि शहद नहीं है तो हल्का गर्म दूध करें उसमें मिला के पी लें, या दूध भी नहीं है तो पानी को हल्का गर्म करके उसमें मिला के पिए। परंतु यदि एक गिलास पानी में आपने लहसुन की 3 तुलियाँ मिलाई हैं तो उसको पीने में आधे घंटे का समय चाहिए, गड़गड़ नहीं पीना। जैसे आप 2 घूंट पिएंगे जो आपका भयंकर गुस्सा आ रहा था उसमें भी शांति मिलेगी, जो शरीर में आँखों में त्राहट आई थी उनमें भी कमी आएगी, शरीर में जहाँ भी आपको किसी किस्म की हाई ब्लड प्रेशर होने से आपको तकलीफ हो रही थी वो शांत हो जाएगी। यानी एक गिलास पीते पीते आपका नॉर्मल 90-120 जो चाहिए वो ही रहेगा। परंतु यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं, लहसुन खाने से परहेज करते हैं जी। फिर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब आप नींबू लें, नींबू चौथाई, यानी एक नींबू यदि आपके पास है तो उसके 4 हिस्से कर दें, 1 हिस्से का रस निकालें, उस रस को हल्के गर्म पानी में या शहद में मिला दें, और उसके बीच में 1.5 ग्राम पहले पीस के आपके घर में दालचीनी का पाउडर रहना चाहिए मिला दें जी। उसको मिला के आप चाटें, जैसे उंगली से आप जीभ पे इसको चाटेंगे, चाटने के बाद एकदम एक तो जीभ आपके ऐसे पानी छोड़ेगी जैसे बरसात में तेज़ बारिश होने के बाद पहाड़ों से पानी रिसता है,
ऐसे जीव से पानी निकल के पेट में जाना शुरू होगा, थूकना नहीं है। जैसे पानी अंदर जाएगा, सबसे पहले फेफड़ों की धुलाई करेगा, फेफड़े ऑक्सीजन पूरी लेंगे, और जब फेफड़ों की ऑक्सीजन के साथ इसका प्रभाव दिल पे जाएगा तो दिल में जो आपका बीपी हाई था वो एकदम लो होना शुरू हो जाएगा, यानी नॉर्मल अपने पॉइंट पे जहाँ चाहिए उतना आएगा। बीपी के मरीजों को तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडा खाना, बासी खाना, ब्रेड, बिस्कुट, चीनी, इनसे तो कभी हाथ में नहीं लगाना चाहिए जी। और जिनको बीपी हमेशा खानदानी हाई रहता है उनको हमेशा मूंग की दाल, चुलाई, बथुआ और पालक, इनका प्रयोग अधिक करना चाहिए। जिसका बीपी हाई होता है उसको हमेशा कब्ज रहती है, कब्ज को तोड़ने के लिए पालक, चुलाई, बथुआ, ये एक किस्म का अमृत है जी। और ऐसे भी यदि आप जब भी पानी पीते हैं उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस या काला नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला कर पीते हैं तो भी आपको कभी बीपी नहीं होगा। पानी की कमी, गलत खान पान, ये बीपी की सबसे बड़ी मुख्य दवाई है। यदि हम समय पे खाते हैं, समय पे पीते हैं, समय पे सोते हैं तो हमें कभी कोई रोग होगा ही नहीं। आज जो रोग हमें दिन प्रतिदिन नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कैंसर हो रहा है इसका मुख्य कारण आपकी चीनी। चीनी खाने वाले को बीपी तो लाजमी होता है, चाहे बीपी उसका 90 की जगह 120 रहे चाहे 150 रहे, इससे नीचे नहीं आएगा चीनी खाने वाले का। परंतु जो शक्कर गुड़ खाएगा या शायद प्रयोग करेगा उसका कभी बीपी ना हाई होगा ना लो होगा। आज पूरे संसार की यदि गणना की जाए तो 100 में से 70% को बीपी मिलेगा, सिर्फ 30% मिलेंगे जिनका नॉर्मल है, 70% का बीपी हमेशा हाई मिलेगा। क्योंकि आज ना तो हमारा खाने का टाइम है, ना हमारा सोने का टाइम है। असली खाना हमारा होता है दिन का 10 से 12, रात्रि का 6 से 8, और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के यदि आप पीते हैं जी। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस चल रहे हैं तब तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है जी। गुरु जी, हम इस बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से अंतराल का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्वस्थ विचार। स्वस्थ विचार में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, आइए जानते हैं इसके बारे में। गुरु जी, आपने हमें हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बीमारी के क्या क्या लक्षण रोगी में दिखाई देते हैं जिससे कि पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है। देखिए, जब भी किसी का हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसको गुस्सा बहुत आएगा, आंखें एकदम जैसे नशा करके होती हैं लाल, ऐसे उससे आंखें लाल हो जाती हैं, इसको नींद स्वाभाविक नहीं आती, नींद में परेशानी आती है, और पूरे शरीर में जैसे आदमी सफ़र करके थक जाता है ऐसे उसके शरीर में टूटन पैदा होती है। जब ये लक्षण कोई सा भी दिखाई पड़े तो समझोगे इसका बीपी हाई है। और जब कोई भी चीज़ आपको ना मिले तो घर में आलू तो हमेशा 12 महीने अब हर एक घर में मिलता है, आप 2 आलू लेके उनको पानी से धोएं, यदि जूसर है तो जूसर से रस निकालें, जूसर नहीं है तो उसको कद्दू कस करके कपड़े में डाल के उसका रस निकाल लें, उस रस के अंदर 3 या 5 दाने काली मिर्च पीस के मिला दें। अब जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं ऐसे छोटे छोटे घूंट लेके पीना शुरू करें, जैसे ही आपका एक ही घूंट अंदर जाएगा तो सीने में आपको ऐसे ठंड महसूस होगी जैसे जले पे बर्फ़ की पट्टी रख दें। आलू में
बहुत गुण है। कच्चा आलू बीपी को कंट्रोल करने के लिए, जले हुए को जख्म भरने के लिए, ठंड का डालने के लिए, और कटे हुए के जख्म को भरने के लिए अमृत का काम करता है। और यही आलू भून करके यदि किसी को खिलाया जाए, उसमें काला नमक, काली मिर्च और जीरा भुना हुआ और नींबू का रस डाल के देते हैं, तो जिनके पेट में बहुत बुरी गैस बनती है जी, और गैस निकलने के बाद दूसरे को नाक पे कपड़ा लेना पड़ता है, यदि आप दो टाइम आलू भुने हुए खा लेते हैं तो अब उसके पास जो मर्जी को बैठे उसका पता नहीं गैस कब निकाले जी, उसमें बिल्कुल दुर्गंध बंद हो जाती है। और इसी आलू को उबाल करके टिकिया बना के तल के जब खाएंगे तो फिर कैंसर की जड़ें लगा देगा। और यही आलू उबाल के यदि आप खाते हैं तो जिनका सूखा दुबला शरीर है उसमें हरियाली भर जाती है। लेने के तरीके हैं और चीज़ एक ही है, परंतु विधान के अनुसार जब इसको अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं तो अलग अलग इसके उपचार होते हैं जी। आज आलू को बदनाम किया हम लोगों ने, कहीं चिप्स बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, जब इसको तल करके और तलने के बाद इसको खाया जाता है तो लीवर में इफेक्शन करने के लिए सबसे बड़ा उजार है। जैसे पानी खड़े पे काई जम जाती है और पानी धुंधला पड़ जाता है, जब हम आलू को भून के खाते हैं, तल के खाते हैं, तो हमारे लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। और इसके कमज़ोर पड़ने से फिर आपको सबसे पहले गैस बनती है। जब आपको अधिक गैस बनेगी तो आपकी पैंक्रीज इंसुलिन बनाना बंद कर देगी, उसके ऊपर एक किस्म का झाड़ा आ जाता है। पैंक्रीज इंसुलिन बनाना कम करेगी, आपकी शुगर बढ़ जाएगी। जिसको शुगर बढ़ेगी उसको हमेशा कब्ज होगी, उसका पेट नहीं साफ होगा। और जिसको कब्ज होगी उसको नज़ला, जुकाम, खांसी, पेट दर्द, कमर दर्द, सिर दर्द, आँखों में भारीपन, आँखों से पानी गिरना, ये सारे रोग चलते हैं। यदि हम नियम से उपचार करें, नियम से इन चीज़ों का प्रयोग करें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में हॉस्पिटल होंगे, नर्सिंग होम होंगे, डॉक्टर नर्सें होंगी, परंतु मरीज नहीं होंगे। जी गुरुजी, आपने हमें बताया कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके आयुर्वेदिक उपचार, जो कि आपने हमें बताया लहसुन, प्याज, अदरक, आलू, ये लेते समय रोगी को क्या क्या परहेज करने चाहिए। इसमें सबसे बड़ा परहेज है कि ठंडा पानी नहीं पीना कभी भी, फ्रिज की रखी हुई चीज़ का किसी का प्रयोग नहीं करना। आटा जो आपने लेना है, चाहे गेहूँ का लें, चाहे जौ का लें, चाहे चने का लें, चाहे मक्के का लें, चाहे बाजरे का लें, उस आटे की जो चोकर छाननी नहीं है, क्योंकि चोकर के अंदर सोडियम नमक है जो हमारे पेट की नेचुरली सफाई करता है। यानी हम उसको निकाल के फेंक देते हैं तो जो भी हम खाना खाते हैं वो आंतों में, जैसे पानी में पत्थर डालने से पानी के पैंदे में बैठ जाता है, ऐसे आंतों में फंस जाता है। पैंक्री पे जाला बन जाता है इसका, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्त में पथरी बनना शुरू हो जाती है। और जब हम छिलके वाले अनाज खाते हैं, छिलके वाली सब्जियां खाते हैं, छिलके वाले फल खाते हैं, तो हमें कभी किसी रोग से जूझना नहीं पड़ता। जी, परहेज की बात की, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग पहले से एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं, क्या उन्हें एलोपैथी की दवाई बंद कर देनी चाहिए? एलोपैथिक बेटा एक संसार में बिजनेस है, इसमें किसी रोग की दवाई नहीं है। जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की एलोपैथिक दवाई देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करता, वो प्रेशर तो आपको रहेगा परंतु आपके दिल को सुन कर दिया, काम वो कर रहा है, जो आपको वहाँ से तकलीफ महसूस हो रही थी वो नहीं होगी। एलोपैथिक दवाइयों का एक ही काम है कि जहाँ पे आपको कोई रोग है उस रोग को, उस अंग को सुन कर दो। आप कहेंगे मुझे राम मिल गया, राम नहीं मिलता, फिर ये बिजनेस हो जाता है।
फिर आपको 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद दवाई लेनी ही पड़ेगी। फिर इसकी खुराक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। फिर इसको अधिक लेने से किडनी, फेफड़े, पित्त, तिल्ली, लीवर, इन पे किसी पे कोई भी साइड इफेक्ट पड़ सकता है और आपको फिर डॉक्टरों की जेब में भरनी पड़ेगी, अपनी जेब में खाली करनी पड़ेगी। आज मैंने पूरे संसार को चैलेंज किया है कि आपने यदि सिर में दर्द है तो उसकी भी आपके पास दवाई नहीं, उसको यदि आपके पास कोई दवाई ऐसी है कि जो आपने रोगी को ठीक करने के बाद दवाई बंद कर दी, अब दवाई नहीं खानी पड़ती, तो आश्रम में आकर उस दवाई को अपने को टेस्ट कराएं। यदि आपकी दवाई कामयाब हो जाती है, आप सुन नहीं करते हैं, रोग को खाते हैं, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा। परंतु यदि आप सुन करते हैं, रोग नहीं काटते हैं, तो आश्रम को आपको 20 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो आप जो मुझे पहले धमकाया करते थे, फ़ोन पर डराया करते थे, आज उनके फ़ोन आने बंद हो गए जी। क्योंकि मैंने डॉक्टरों को चैलेंज नहीं किया, मैंने चैलेंज किया उन साइंटिस्टों को जो ये दवाइयाँ बनाते हैं जी। अब आपने देखा होगा कि एलोपैथिक में हर 3 साल 4 साल के बाद जो दवाई किसी भी रोग की निकाली उसको बैन कर देते हैं, उसकी जगह दूसरी निकाल देते हैं। जब उसके साइड इफ़ेक्टों का पता लगता है तो उस फार्मूले को बदलते हैं। आज कितनी दवाइयाँ हैं जो बैन हो चुकी हैं। आयुर्वेद में किसी दवाई पर बैन नहीं है और आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हैं रोग को जड़ से काटने की हैं। और आयुर्वेद में यदि आप ओवरडोज या कम दवाई खाते तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। एलोपैथी की दवाई ओवरडोज ले ली तो भी मृत्यु है और कम ले ली तो उसका असर नहीं है। परंतु आज हमारे आयुर्वेद ने सिद्ध कर दिया है कि पूरे संसार में यदि रोगों से मुक्ति पानी है तो आयुर्वेद की शरण में आ जाए जी। और रोगों से यदि आपने पूरी उम्र जूझना है जी और अपने घर खाली करके डॉक्टर के घर भरने हैं तो आप एलोपैथिक में जाइए। आज जो हमारा अच्छा पढ़ा लिखा तबका है ये आयुर्वेद को कुछ नहीं मानता, एलोपैथिक को मानता है। जब एलोपैथिक जाके उनका नाश हो जाता है और एलोपैथिक वाले जब हाथ खड़े कर देते हैं कि अब आपका उपचार नहीं है, तब आके वो स्वास्थ्य विचार में नाड़ी परीक्षण कराते हैं। नाड़ी परीक्षण करने के बाद जब उनकी कमियां बताई जाती हैं तो सिर पे हाथ मार के सोचते हैं कि देखो हम कितने नाम समझते हैं जी। आज तक जिस चीज़ को हम भी मान रहे थे कि इसमें कोई उपचार नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस है, आज वही रोगों का उपचार है, एलोपैथिक एक बिजनेस है। जो रोगी 90% कैंसर के आश्रम में आते हैं वो 1.5-2 महीने में दवाइयाँ खाना बंद करते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं जी। जिनकी किडनी 90% तक खराब है, जिस दिन आश्रम में आके दवाई खाते हैं उसी दिन 25-30% राम उनको मिल जाता है। जितना राम उनको डायलिसिस करने से मिलता था उससे 10 गुना राम पहले दिन मिल जाता है जी। डायलिसिस कराने के बाद रोगी को 24 घंटे में 100 ग्राम पानी पीने को देते हैं, जबकि ये उसके साथ एक इसका अत्याचार है, और ड्राई खाना देते हैं जिससे कि किडनी जल्दी सिकुड़े और ऑपरेशन करके पैसा लूटे जी। गुरुजी, हम इस बारे में आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्वस्थ विचार। स्वास्थ्य विचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, आइए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं गुरुजी से। गुरुजी, आपने हमें हाई ब्लड प्रेशर के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताया, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने समय तक रोगी को ये दवाई लेनी पड़ती है। देखिए, आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयाँ हैं या मेरी स्वास्थ्य विचार की जितनी दवाइयाँ हैं 1.5-2 महीने से फालतू किसी को नहीं खानी पड़ती। जिस दिन रोगी आश्रम में नाड़ी परीक्षण के लिए आता है उस दिन रात्रि को 10 बजे खाना पीना बंद कर दिया जाता है, केवल बड़ी इलायची काले वाली मुंह में रख चूसनी पड़ती है, और सुबह
9 बजे नंबर लगने शुरू होते हैं, 10 बजे मैं देखना शुरू करता हूँ, 2 घंटे देखता हूँ सिर्फ 10 से 12, सारा दिन मैं नहीं देखता। जैसे एलोपैथिक में सुबह शाम भी रोगियों को देखते हैं, ऐसा अपना नियम नहीं है। अपना नियम है सिर्फ 2 घंटे का, 10 से 12 का। जैसे ही रोगी का नाड़ी परीक्षण किया, तीनों उंगलियां कलाई पे रखी, तो पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT scan, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ हो गया। फिर उसको बताया जाता है कि आपका रोग इतना पुराना है और इस रोग का उपचार ये है, यदि आप इन दवाइयों को खाते हैं, और उसके बाद आप मेरे पास शाम को 3 बजे या दूसरे दिन बुलाते हैं या तीसरे दिन बुलाते हैं, 3 बजे आते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं, उसके बाद पूछते हैं, कहते हैं अब हमें बिल्कुल आराम है, हमें कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही। तो किसी रोगी को 15 दिन की दवाई होती है, किसी की महीने की चलती है, किसी की 1.5 महीने की, इससे फालतू दवाई किसी को नहीं खिलानी पड़ती। परंतु इसके साथ साथ हमें योग करना पड़ता है ज़रूरी। योग में नियम है कि रात को 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले कपालभाति, फिर भस्त्रिका, फिर अग्निसार, फिर उज्जयी, फिर ब्रह्मी, उसके बाद अलोन बलोन, फिर कुंभक। इसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जितने भी रोग अंदर के सारे नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि में हम कूड़े करकट को समाप्त कर देते हैं, वहाँ बिल्कुल सफाई हो जाती, ऐसे शरीर के अंदर की सफाई होती है। इसके साथ हमारा योग है जिसमें मंडुकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, मरघटासन, सब आसन, सर्वांगासन, हल आसन, शीर्षासन, उसके बाद हो जाए सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, योगी जोगी, ये आपके समय के ऊपर निर्भर है जी। परंतु प्रणाम सबके लिए जरूरी है, जिसमें कपालभाति, भस्त्रिका, अलोन विलोम, अग्निसार, ये तो हर प्राणी को करना ही पड़ेगा। सिर्फ औरतों पे बंजिश है कि जब उनको मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म के 10 दिन तक कपालभाति, अग्निसार, उज्जयी नहीं करते, सिर्फ अलोन विलोम कुंभ कर सकती है जी। क्योंकि कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, जैसे हम कपड़े में साबुन लगा के मैल को निखारने के लिए कपड़े को बार बार या तो किस चीज़ से उसको पीटते हैं या हाथों से ऐसे ऐसे करके उसको करते हैं तो मैल पिघलती है, ऐसे ही इसके करने से नसों के अंदर कोई भी किस्म का विकार है, कोई किसी किसी रोग का कीटाणु है, तो उसको नष्ट करते हैं। कपालभाति यदि आपको ठीक तरीके से करने आती है, भस्त्रिका ठीक तरीके से करने आती है, तो जो हमारा 98.4 टेम्परेचर है ये 110 डिग्री पे जाता है। 110 डिग्री टेम्परेचर जब अंदर होता है तो इसमें किसी भी किस्म के रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। आज चाहे कैंसर का मरीज है, चाहे किडनी का है, चाहे गठिए का है, चाहे एड्स का है, चाहे एक्जिमे का है, चाहे सोरासिस का है, जो नियम रूप से सुबह सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन ब्रोन करता है, सालों पुराना रोग महीनों में समाप्त कर लेता है। आज एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वस्थ विचार में सारा दिन फोन में नहीं सुने जाते, फोन सुनने का समय भी सिर्फ 1 घंटे का है, शाम को 4 से 5 का, उसी में बात की जाती है। क्योंकि जिस टाइम नाड़ी परीक्षण किया जाता है 10 से 12, एक मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 या 3 मिनट का टाइम देते, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते जी। क्योंकि 2 घंटे में हमें 60 मरीज फार करने होते हैं जी। फिर जिस मरीज के मन में शंका रह जाती है, फिर उसको 12 बजे के बाद समझाते हैं कि आपको ये बीमारी है और इस चीज़ के खाने से हुई है, और यदि आप ये दवाइयाँ लेते हैं आयुर्वेदिक, तो आपका इलाज परहेज करते महीने 1.5 महीने जी। यदि फिर भी आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं तो इन दवाइयों को लेना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका रोग बढ़ेगा घटेगा नहीं। इन्होंने दवाइयों ने रोग काटना है, उन्होंने दबाना है, फिर आपको कोई भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट हो सकता जी। गुरु जी,
आप हमारे साथ स्वस्थ विचार में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को हाई ब्लड प्रेशर के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के अंक में हमने जाना हाई ब्लड प्रेशर और इसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।